हम क्या पढ़ रहे हैं अब नया कॉन्सेप्ट बेटा, फ्रैक्शन, भिन्न। क्या किसी बच्चे को पता है? जरा चैट सेक्शन में बता दो भिन्न क्या होता है। यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, बस। पता है तो यस लिख देना, नहीं पता तो नो लिख देना, सिंपल। नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, मैं बताऊंगी भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? एनीबडी जिसको पता हो। ओके ओके अच्छा ठीक है, मतलब कुछ बच्चे हैं, मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं पता है। ठीक है बेटा, तो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपके पास एक रोटी है, आप रोटी खाने के लिए घर में बैठ गए, खाना खाने के लिए बैठ गए, तभी आपका फ्रेंड आ गया। कौन आ गया? आपका दोस्त आ गया, या आपकी फ्रेंड जो भी है वो आ गई, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ही रोटी थी, लास्ट आप रोटी एक खा रहे थे, लास्ट रोटी थी। आप क्या करोगे? फ्रेंड के साथ शेयर करोगे ना, शेयर करोगे ना। आपने क्या किया? रोटी को तोड़ दिया, बीच में से दो हिस्से कर दिए, ठीक है। आपने क्या किया? रोटी के दो हिस्से कर दिए, ठीक है। या मान लीजिए दो भाई हो, फ्रेंड मान लो, दो भाई लो, है ना, फ्रेंड हो या भाई हो, आपने दो हिस्से कर दिए, इक्वल इक्वल बांट, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दो हिस्से आपने कैसे भी कर दिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने बस एक रोटी थी, उसके कितने हिस्से कर दिए? दो हिस्से कर दिए, ठीक है। क्या किया मैंने? एक आधा आधा दोनों को दे दिया। अब वो आधा आधा बेटा क्या है? एक बटा दो, एक बटा दो मतलब मेरे पास एक रोटी थी, उसका दूसरा आधा कर दिया मैंने। ऐसे ही मेरे पास एक रोटी थी, मैंने उसका आधा कर दिया, ठीक है। मतलब नीचे मैंने क्या लिखा? जितने रोटी के टुकड़े करे मैंने उतना लिखा, और कितनी रोटी थी मेरे पास? ऊपर मैंने कौन सी लिखा? जो मेरे पास एक रोटी थी। समझ आया ये बात? ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा भिन्न में लिखना। भिन्न इसका मतलब होता है भिन्न, ठीक है। मतलब मेरे पास एक रोटी थी, मैंने उसे दो बाट में डिवाइड कर दिया, इक्वल इक्वल। मैंने ये नहीं किया, पार्शियलिटी नहीं करी मैंने, कि मैंने आधी रोटी कम, मतलब ऐसे तोड़ी कि एक पार्ट ज्यादा था दूसरा पार्ट कम था, नहीं, मैंने इक्वली काटा, इक्वली काटा। चाहे उसे आप ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ठीक है, चाहे आप उसे ऐसे काट लो, बराबर बराबर मैंने दो भाग में बांट दी। तो मैंने क्या किया? एक रोटी का कितने हिस्से किए? दो हिस्से किए। तो मैं इसे क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलते हैं बेटा भिन्न। आगे मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ना उस दो रोटी में से जो हमारे पास एक बटा दो आधी रोटी हो गई, इसे इस तरह लिखते हैं, एक बटा दो, इसका अर्थ क्या? दो में से एक भाग, दो का दो में से एक भाग। सिंपल लॉजिक ये समझो कि मैंने एक रोटी के दो टुकड़े कर दिए, उस एक रोटी थी उसका आधा भाग ले लिया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास, मान लीजिए आधा क्या होता है? कोई भी पूरी चीज को दो भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। मान लो मेरे पास ना क्या है? एक सेब है, ठीक है, मेरे पास क्या है? एक सेब है, ठीक है। मैंने क्या किया? इस सेब को दो पार्ट में काट दिया, क्योंकि तुमको दो लोगों में, दो भाइयों में या दो फ्रेंड्स में डिवाइड देना था, बराबर बराबर। मैंने उसे चाहे ऐसे काट दूं बेटा, ठीक है, बराबर बराबर, ये बराबर नहीं है, बिल्कुल इक्वल इक्वल, चाहे मैं ऐसे कर दूं उसको, ठीक है, ऐसे काट दूं या मैं ऐसे काट दूं। तो मैंने क्या किया? उसको दोनों को आधा आधा दे दिया, इसको आधा दे दिया और इधर से आधा कर दिया, ठीक है बेटा, थोड़े ड्रॉइंग को समझ लेना, आधा आधा। तो ये कौन सा भाग हुआ? मेरे पास एक सेब था और मैंने उसको कौन सा भाग कर दिया? दूसरा, एक बटा दो, ठीक है, इसे बोलते हैं एक बटा दो, ठीक है, समझ आया? क्या ये बात समझ आई? आधा क्या हुआ, है ना, ठीक है। मैंने पूर्ण संख्या थी, एक पूर्ण था, पूरा था, मैंने उसका आधा आधा कर दिया, जिसे मैंने एक बटा दो कहा है। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मान लो नींबू भी है आपके पास, नींबू को आपने दो भाग में ऐसे काट लो, है ना, या फिर आप चाहे उसे ऐसे काट दो बराबर। तो मैंने दो भाग में काटा, उसका भी 1/2 हो गया, ठीक है। क्या हमेशा हम आधा आधा जो निकाल रहे हैं वो क्या हम सिर्फ किसी चीज को काट के ही कर सकते हैं?
क्या सिर्फ हम किसी चीज को काट के ही कर सकते हैं? नहीं, देखो बेटा समझो इस चीज को, मान लो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, यस बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है कि किसी चीज को काट के हम उसका आधा भाग निकाल सकते हैं, है ना। मान लो मेरे पास 1 किलो सेब है, 1 किलो सेब है, या 12 मेरे पास सेब है ना, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस पे भी हम अभी बात करते हैं ठीक है। अगर इससे जुड़े हम एग्जांपल देखें, तो मैंने इसको आधा काट दिया, तो ये इसका कौन सा भाग हो गया, 1/2। मैंने इसको आधा काट दिया तो कौन सा भाग हो गया, 1/2, आधा इसका, हाफ हो गया ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं हाफ या आधा हो गया ठीक है। मान लो मैंने रोटी को 2 भाग में बांटा था, 1/2, 1/2, मान लीजिए 2 दोस्तों में तो बांट दिया, अब 2 दोस्त और आ गए, इसका भी 1 दोस्त आ गया, इसका भी दोस्त आ गया, अब दोनों ने अपने पास आधी आधी रोटी ले ली थी, है ना, दोनों ने अपने पास आधी आधी रोटी ले ली थी, इसके पास भी आधी थी, इसके पास भी आधी थी, अब इन दोनों के फिर से एक एक दोस्त आ गए, इन दोनों के एक एक दोस्त आ गए, तो अब इसके पास तो आधी रोटी है ना, इसने क्या किया, अपनी आधी रोटी अपने दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर ली, ऐसे ही इसने भी अपनी आधी रोटी दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर ली, है ना। तो अब हमने क्या किया, एक एक दोस्त आ गए, तो उस रोटी को 4 भागों में बांट दिया, क्या कर दिया मैंने, उसने और 4 भागों में पार्ट में बांट दिया, तो अब ये कौन सा भाग हो गया बेटा, एक रोटी थी उसका चौथा भाग, का चौथा भाग। हाँ उसका चौथा भाग। गुड इवनिंग बेटा, बट आप लेट हो, और मैंने, हाँ लेकिन आप लेट हो, गुड इवनिंग तो वेरी वेरी है ठीक है, आप लेट हो तो टाइम से ज्वाइन किया करो बेटा ठीक है, टाइम से ज्वाइन हाँ किया मैं करो। लिंक हाँ बोलो, क्या खुली थी, हो गया था? लिंक अच्छा नहीं लिंक नहीं, खुला मामा। अच्छा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगर लिंक का प्रॉब्लम था तो कोई नहीं, चलो। तो ये कौन सा भाग हुआ बेटा, हमने क्या किया, 1/4, सेम 1/4, देखो 1/4, 1/4 ठीक है। मैंने क्या कह दिया, रोटी को 4 2 भागों में बांट दिया था, उसके बाद उसको में से दो में से भी दो दो कर दिए ठीक है, दो दो कर दिए, कौन सा भाग हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, हर एक हिस्सा चौथाई है, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/4, 1/4, 1/4, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चे भिन्न। हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को, पूरी वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं ठीक है, यस 1/4 ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है क्या कि मैंने कैसे रोटी को तोड़ा और 1/2 से फिर 1/4 हुआ कैसे, मतलब बेसिकली हमने भिन्न को समझा, किसी बच्चे को डाउट है क्या? अगर सबको समझ आए तो यस लिख देना, और किसी को डाउट हो तो नो लिख देना। बेटा एक ही बार लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा एक बार, ठीक है ठीक है। तो बच्चे सिंपल है, मान लो मेरे पास कोई भी एक चीज थी और मैंने उसे 2 इक्वल आधा आधा इक्वल भाग में कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, 1/2, 1/2 ठीक है। फिर मैंने उसे और एक बांट में कर दिया, तो अब 1/2 का कौन सा भाग हुआ, आधा, तो मैंने इसे क्या बोला, 1/4, ये भी 1/4 हुआ, एक भी 1/4 हुआ है ना, और ये भी 1/4 हुआ, सिंपल यही चीज अभी तक हमने पढ़ी है ठीक है। तो क्या किसी भी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? भिन्न क्या है, क्या किसी भी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? मान लीजिए, मान लो अनजाने हम कई स्थितियों में इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास सेब है, 1 किलो सेब है ठीक है, कितने है, 1 किलो सेब है ठीक है, मैंने उसको आधे कर दिए, आधा कर दिया, तो वो हम उसे क्या बोलेंगे, आधा किलो सेब है ना, एक आधा बटा दो किलो सेब। अब और सेम अगर मैं, मान लो पानी, ग्लास में पानी है, मैंने उसके ना कौन सा 2/3 पानी लिया, मतलब आधे से ज्यादा पानी ले रखा है ठीक है, इसको समझो, मतलब मेरे पास पूरा का ग्लास आधा कर दिया तो आधा हो गया, और उस आधे में से भी आधा कर दिया, तो मैंने 1 ग्लास था उसका कौन सा हिस्सा पानी है, 1/2, तो यही हो गया, 1/2 का भी आधा, तो मेरा ये कौन सा हुआ, 1/3, 2/3 पानी है उसमें है ना, 2/3 पानी है उसके अंदर ठीक है। अगर रोटी का चौथा हिस्सा क्या हुआ, 1/4, 1/4, यस 2/3 पानी, 2/3 का मतलब हुआ उस पानी के जितना पानी है पूरा में से दो आधे से ज्यादा है उसके अंदर ठीक है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, 2/3, इससे समझो 1/2 है ना, ये हुआ 2/3, ये हुआ 1/4, यस ठीक है। तो किसी P अपॉन Q रूप में संख्या
जिसका सारांतर रूप एक पूर्ण संख्या के भाग पार्ट को निरूपित करता है भिन्न कहलाता है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह हो सकता है। ठीक है, मतलब समझो बेटा, कहने का क्या मतलब है। ठीक है बेटा, 2/3 हैगा, 1/3 नहीं 2/3। ठीक है, समझो, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज को, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज को, यस, जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज का पार्ट कर रहे हैं या काट रहे हैं। जैसे मैंने रोटी का बताया, ये एक सेब का बताया, हम कई बार उसका ग्रुप जो होता है, क्या बोलना चाहती हूँ मैं, अगर उसका कोई ग्रुप है, जैसे हमने क्या लिया, हमने सेब लिया, सेब का 1 किलो सेब ले लिए, है ना, बहुत सारे सेब, उसके आधा भाग कर दिया, मतलब उसके सेब आधे आधे अलग कर दिए, तो वो भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ आई है? अगर आ गई है बेटा तो यस लिख दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में बेटा, अगर डाउट है तो नो लिख देना। सभी को समझ आ गई है? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, यदि इस पे पानी पर 3 तिहाई आ जाए, 3/3 होगा जी, 3/3 आ गया, तो बेटा अगर ये ऐसा आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा है। देखो बेटा, 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 से भाग करेंगे कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, पानी पूरा ही भरा हुआ है, पानी पूरा ही भरा हुआ है, तो 1 क्या है, तो पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अगर मैं बोलूं, मैंने रोटी वाला पोर्शन जो लिया था बेटा, मान लो जो रोटी ली थी 4 भाग करे थे, ठीक है, मैंने बोला 1/4 होता है, ये भी 1/4 है, ठीक है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ठीक है। अगर मैं इसको 4/4 लिखूं, मतलब समझो 4 रोटी का ही 4 रोटी है, तो वो तो बेटा 1 भाग करेंगे तो 1 के बराबर आ गए ना, 1 आ गया ना बराबर, तो इसका मतलब वो एक रोटी की बात कर रहा है, वो तो एक पूर्ण संख्या हो गई, वो भिन्न संख्या नहीं हुई। तो हमेशा याद रखो, अगर वो ऊपर भी वही नंबर है, नीचे भी वही नंबर है, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। हाँ, उसको भाग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो मतलब वो एक कंप्लीट चीज की बात कर रहा है, उस पूरे की बात कर रहा है। समझ आया सभी बच्चों को? तो ये याद रखना, अगर मेरे पास 5/5, 2/2 हो, तो ये पूर्ण संख्या, ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। हाँ बेटा, यदि 2 आ जाए वे भिन्न होगी। कौन सी बेटा? यदि इसके 1/2 आ जाए तो फिर उसकी वो भिन्न होगी या पूर्ण है? वो भिन्न होगी जी, वो भिन्न ही होगी, आएगा ही नहीं ऐसा। बताओ कौन सा नंबर आएगा, भिन्न को आप ये सोचो, P अपॉन Q का मतलब क्या है, कि ऊपर भी कोई नंबर हो और नीचे भी कोई नंबर हो, बट्टे के साथ नीचे भी कोई नंबर हो। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज ध्यान में रखनी है। भिन्न का मतलब क्या है, कि कोई भी संख्या जिसमें P अपॉन Q हो, मतलब 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, है ना। अगर मैं यहाँ पर मान लो 5/5, 4/4 लिख रही हूँ, तो बेटा ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये तो, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करते तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, 1 मिल जाएगा, है ना, वो तो क्या हो गया, पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर ऊपर भी वही नंबर नीचे भी, तो वो पूर्ण संख्या, वो भिन्न नहीं है, वो भिन्न नहीं है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यस और नो, यस, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा याद रखनी है, कि हमेशा हम किसी भी चीज को बट्टे में बांट रहे हैं या काट, मतलब कर रहे हैं, तो हम अगर एक चीज को कर सकते हैं और उसके ग्रुप को भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि, मतलब मेरे पास, अगर मान लो मेरे पास, चलो मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है, ठीक है बेटा, सभी बच्चों के लिए है ये। मैंने ना इसको 1, 2 ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 भाग में डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या बता सकते हो कि इसका 1 भाग का क्या, मैं क्या लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, यस 1/9, यस बेटा 1/9, यस, इसका हर एक पोर्शन क्या है, 1/9। क्या किया हमने, एक बॉक्स था और कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 में। अच्छा मान लो 9 में, ठीक है, मान लो बच्चा, सभी बच्चों के लिए ये, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी डाउट हो एक बच्चे को मुझे बता देना। मैं इसके ना 3 को
तीन को भर देती हूँ और मैं बोलती हूँ अब इसका बताओ, इन तीन को मैंने भर दिया, ये कौन सा, इसको अब मैं बताना चाहूंगी तो क्या होगा? 3/9 तीन बटा नाइन? नहीं बेटा, 3/9 या नाइन, 3/9। यस, तीन भरे हुए, तीन, यस, तीन का कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम? नाइन के कौन से पार्ट ले लिए? थ्री। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है? समझ आया क्या मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? और सभी को ये चीज क्लियर है ना बच्चे? सभी को ये चीज क्लियर है ना कि कभी भी अगर मेरे पास 5/5 है, 4/4 है या 25/25 है तो वो तो इक्वल हो जाएगा 1 के, तो वो क्या नहीं होगा? भिन्न पूर्ण नहीं होगा, होगी, भिन्न नहीं है, वो क्या है बच्चे? वो पूर्ण संख्या है। यस, तो मैं क्वेश्चन पूछूं, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो यस और नो, किसी को भी, किसी एक भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मुझे पोल में हर बच्चे का आंसर चाहिए। मेरे लिए पोल में, ये मेरी मेरी रिस्पेक्ट करना होता है अगर आप पोल में आंसर करते हो तो, कि आप मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, मैम की कितनी सुनते हो। चलो देखते हैं फिर, देखते हैं फिर, है ना? ओके चलो बेटा, क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। चलो, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है ये बताना है, कौन सी संख्या भिन्न नहीं है? सारी ऑब्जर्व करो और उसके बाद देखो। सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। आयोडन मैम, हाँ, जिन्होंने कर दिया, वेरी गुड बेटा। आयोडन मैम, हाँ बेटा, नहीं बताने की जरूरत है, मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, नाम के साथ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए बोलूं सभी बच्चे करेंगे। सबका आंसर मुझे चाहिए, सबका आंसर चाहिए। एक गलत है जी, इसमें तो और सारे सही है जी। सभी बच्चों के लिए हो गया क्या? चलो जल्दी जल्दी कीजिए। यस मैम, नहीं, वेरिएशन ऑफ आंसर आए हैं, और भी बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, दो बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बच्चे, जिस भी बच्चे को डाउट है ना, जिस भी बच्चे को डाउट है प्लीज पूछ लो, क्योंकि बहुत बच्चों ने आंसर गलत लिखा है, बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया है। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं, हाँ पहले देख लेते हैं। रविंदर की, कुमार की आईडी से जो बच्चा, और शमशेर की आईडी से जो बच्चा, बेटा एक बार अनम्यूट करोगे? दोनों में से कोई भी एक बच्चा कर दो। हाँ, रविंदर की आईडी से बच्चे ने किया क्या? बेटा ओके आपने आंसर क्या लिखा है? 5/7। बेटा ये तो 5/7 तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? तो यस मैम, ये तो आपका भिन्न है, और 1/2 भी आपका भिन्न है, 8/6 भी आपका भिन्न है, क्या 4/4? 4/4 क्या होगा? मैंने सभी को अभी बार बार बताया था, 4/4, चार को चार से बात, पूर्ण चार को चार से बात करेंगे तो एक आएगा, एक तो पूर्ण संख्या है, भिन्न नहीं है। फिर बहुत बच्चों ने गलत लिखा है, मैंने बार बार यही चीज बताई है, जिस भी संख्या को P/Q में लिखेंगे उसे हम भिन्न कहेंगे। उसने बोला कौन सी संख्या भिन्न नहीं है? बेटा दोबारा बताऊं क्या? क्योंकि बहुत बच्चों ने करा है, बहुत बच्चों ने किया है गलत, दोबारा मैं बताऊं एक क्या बार मैं? और समझा ना। हाँ, मैं एक बार और बता देती हूँ बेटा, भिन्न क्या है।
देखो बच्चे, जिस भी संख्या को हम p अपॉन q, मतलब ऊपर भी कोई नंबर हो नीचे भी कोई नंबर हो उसमें लिख सकते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। आप ये समझो, जैसे मैंने बताया था, मान लो मेरे पास एक रोटी है, अगर मैं उस रोटी के दो हिस्से कर दूं, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? 1/2, मतलब एक रोटी के दूसरा हिस्सा, है ना, 1/2 रोटी का दूसरा हिस्सा। अब मान लो मैं इसी रोटी को चार हिस्से कर दूं, तो क्या है? एक रोटी का चौथा हिस्सा, एक रोटी का चौथा हिस्सा, मतलब मैं पूर्ण में से भिन्न बना रही हूँ, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मेरे पास मान लो 4/4 है, 5/5 है, तो इसका मतलब क्या होता है? चार में से चार को भाग करेंगे हमें कितना मिलेगा? एक, है ना। तो ये तो एक पूर्ण संख्या है, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसे हम पूर्ण पूर्ण संख्या क्यों कहेंगे? मैम समझ आया बेटा मैम सभी को? क्योंकि एक ही सिर्फ रविंदर की बच्चे ने तो दिख गया, इसलिए उसको मैंने नाम ले दिया रविंदर की आईडी से जो बच्चा था, या एक बच्चा जो मैंने दूसरा बच्चा बोला शमशेर की आईडी से, वो तो लेट ही ज्वाइन हुआ था। ये कई बच्चों ने आंसर गलत किया है। क्या क्लियर है आप? क्लियर है क्या आप?